तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं एमरल्ड आइफल टावर इन माइनक्राफ्ट। तो उसके लिए पहले हमको रेड फार्म बनाना पड़ेगा एमरल्ड्स के लिए। तो पहले उसके लिए मटेरियल्स कलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे थोड़ा सा लावा चाहिए जो कि हम यहाँ से ले सकते हैं। मैं जो रेड फार्म बनाने वाला हूँ उसके लिए थोड़ी सी बीट भी चाहिए, तो हम दूसरी विलेज से लेके आ सकते हैं। अब फाइनली रेड फार्म बनाने के लिए सारे मटेरियल्स कलेक्ट हो चुके, तो हम रेड फार्म को बिल्ड कर सकते हैं। ये वाला जो प्लेजर आउटपोस्ट है, यहाँ पर प्लेजर स्पॉन ही नहीं होते, पता नहीं क्यों स्पॉन नहीं होते, इसलिए हमको दूसरे प्लेजर आउटपोस्ट पर जाना पड़ेगा। इस प्लेजर आउटपोस्ट के साथ में एक सी है जहाँ पर हम फार्म को इजीली बिल्ड कर पाएंगे। मैं रेड फार्म को यहाँ पर बिल्ड करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर एक विलेजर चाहिए जिससे रेड फार्म में रेड स्पॉन हो पाए। तो चलो विलेजर को लेके आते हैं। भाई साहब ये क्या, मुझे तो माइनक्राफ्ट की सबसे रेयरेस्ट बायो मिल चुकी है भाई। ये मेरा पुराना रेड फार्म है जहाँ पर रेड स्पॉन ही नहीं होती, ये रेड फार्म चलता ही नहीं है। यहाँ से हम विलेजर को लेके जा सकते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया पर ये विलेजर पोर्टल के अंदर घुस ही नहीं रहा था। मैंने यहाँ पर स्टेयर्स लगा दी जिससे विलेजर पोर्टल के अंदर इजीली जा पाए। यस फाइनली विलेजर अंदर चला गया। अब हम इसको लेके चलते हैं दूसरे पोर्टल के पास। पहले मुझे पोर्टल के अंदर जाकर प्लेजर्स को मारना पड़ेगा, नहीं तो वो विलेजर को मार सकते हैं। यह सब फाइनली हम यहां से विलेजर को इजीली लेकर जा सकते हैं। मैं एक डर्ट पाथवे बना लेता हूँ विलेजर को ऊपर ले जाने के लिए। यस फाइनली विलेजर अपनी सही जगह पर है, मैं डर्ट पाथवे को रिमूव कर सकता हूँ। यस अब विलेजर अपनी सही जगह पर है, हम फार्म को बिल्ड कर सकते हैं इजीली। यस फाइनली पूरा रेड फार्म डन हो चुका है। यस हम इस बंदे से बेडोमो लेके फार्म को टेस्ट कर सकते हैं। यस फार्म पूरी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं यहाँ 2 मिनट भी एफके नहीं था और बहुत सारी लूट हो चुकी है। यस अब मैं यहाँ पर कुछ टाइम एफके करके देखता हूँ। भाई साहब मैं गलती से बैड ओमन के साथ अपने बेस पे आ गया, तो इस रेड को पहले खत्म करते हैं। यस मैंने रेड तो डिफीट कर दी पर
मेरा आर्मर टूटने वाला है तो उसको रिपेयर कर लेते हैं पहले। मेरे पास इतने सारे एमरल्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं ओनली इन 40 मिनट्स। रेड फार्म का स्टोरेज सिस्टम बहुत छोटा है, ये इजीली फुल हो जाता है, इसको हमको बड़ा करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको मटेरियल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो कर लेते हैं। बूम, अब मुझे एफिल टावर बनाने के लिए कुछ और मटेरियल्स भी चाहिए, उनको कलेक्ट कर लेते हैं पहले। अब यस, मैं फिर से बैड होमो लेकर अपने बेस पे आ चुका हूँ, तो फिर से रेड स्टार्ट हो चुकी है, तो लेट्स फाइट द रेड अगेन। यस, एमरल्ड एफिल टावर बनाने के लिए सारे मटेरियल्स कलेक्ट हो चुके हैं, तो पहले हम लैंड को फ्लैट करेंगे, फिर यहाँ पर एफिल टावर को बनाएंगे। यस, फाइनली पूरा एफिल टावर डन हो चुका है, इसको बनाने में मुझे लिटरली 3 घंटे लगे हुए, लिटरली 3 घंटे। मुझे तो ये बहुत ओपी लग रहा है, अगर आपको ओपी लग रहा है तो कमेंट कर देना नीचे, और इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।